हेलो एवरीवन, कैसे ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ लाहौर म्यूज़ियम में, और ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला म्यूज़ियम है। ये वाक़ है मार रोड पर, नज़दीक जो है इसके अनारकली है, पुरानी भी और नई भी। जी 20 रुपीज़ की टिकट है ये वाली, लाहौर म्यूज़ियम पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और सबसे ज़्यादा जो है देखे जाने वाला म्यूज़ियम है। इस्लामिक गैलरी भी यहाँ पर है, कंधार गैलरी भी यहाँ पर है, पाकिस्तान कल्चर जितनी भी हैं उसकी गैलरी यहाँ पर है, सिखों की गैलरी यहाँ पर है, और हिंदू बुद्ध मत इन सब की गैलरी यहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊँगा भी सही। सिद्धार्थ की ओरिजिनल जो है ना, वो यहाँ पर सिर्फ इसी लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद है। ये जगह जो है ख़ास तौर पर बुद्ध मतों की, इस जगह को अहमियत इसलिए हासिल है कि बुद्ध मत के जो है जो मेन का गॉड है, ओरिजिनल गॉड, वो यहाँ पर मौजूद है। ये इनका ओरिजिनल पीस है, ओरिजिनल गॉड। यहाँ पर जब ये लोग आते हैं बुद्ध मत, तो इसे ओपन भी कर जाते हैं और यहाँ पर आके लोग बात भी करते हैं। स्टूपा ही देख रहे होंगे आप, ये स्टूपा है, और ये स्टूपा जो है ओरिजिनल है। एक और रियल वन पीस यहाँ पर है जो बुद्धा की पूरी ज़िंदगी दिखाई गई है इसके ऊपर, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, पूरी लाइफस्टाइल जो है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ जैन मंदिर गैलरी, ये मेरे बैक पे है। जैन मत का पेशवा 19वीं सदी ईस्वी, ये गुजरामाला से लिया गया था। इस गैलरी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकाम से इलाकाई और रवायती चीज़ें लाई गई, जिसके हो गए हैं कपड़े हो गए हैं, शीशे के बड़े बर्तन हो गए, लकड़ी के चाहे बने हुए बर्तन हो गए हैं, लकड़ी के बने हुए बर्तन हैं। शुमाला इलाके जहाँ से काफ़ी सारा जो लेकर आ गए हैं, ये सवाद के जो लिबास हैं साथ दिखेंगे आगे। ये गैलरी जो है सब नवादरात जो पड़े हैं, सिखों के नवादरात पड़े हैं यहाँ पर, सिख मज़हब के बानी गुरु नानक साहब, और ये उनके नवादरात हैं, जंगी हथियार उनके। ये इस्लामिक गैलरी है, ये बादशाह मस्जिद का लकड़ी से बना हुआ मॉडल है। ये सदकैन की जो है हैंडमेड है, सूरह यासीन पूरी लिखी हुई है। गैलरी है यहाँ पर, असले जो हैं पुराने वो पड़ा हुआ है जी, जितने पुराने असले हैं यहाँ पर, कदीम असल है मौजूद है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ जी पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी में। ये गैलरी जितनी देख रहे हैं आप, सबकी तस्वीरें आवेज़ा हैं यहाँ पर, लामा इकबाल की पूरी पिक्स यहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट लगाई गई हैं। बानिया कैद आजम मोहम्मद रचना की टिक्स जो है यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं, पहलगाम कश्मीर में कैद आजम आराम की हालत में, बहुत खूबसूरत और नायाब तस्वीरें हैं ये वाली। और एक साइड पर जो है कैद आजम इस्लामिया कॉलेज लाहौर में से तकरीब फरमाते हुए 1945 में कैद इस्लामिया कॉलेज में हाल में तालबों से खिताब करते हुए नवाब। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। प्लीज़ लाइक कमेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब।